नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर के रेपुरा में स्थित रॉय बीएड कॉलेज, जिसका नाम आप लोगों ने तो सुना है, लेकिन जो फर्स्ट सेशन 2023 से 2025 तक के जो भी विद्यार्थीगण इसमें अपना बीएड कोर्स करने के लिए नाम दाखिला करवाए हैं, उनका आज जाए तो मोटिवेशनल प्रोग्राम था। इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में कहा जाए तो महान से महान वरिष्ठ शिक्षकगण एवं स्थानीय सांसद अजय निषाद जी, जो मुजफ्फरपुर के हैं, एवं एमएलसी, सभी लोग यहां पे मौजूद हुए। मौजूद होकर सभी बच्चों को ऐसे ऐसे कहानियों से, ऐसे ऐसे विचारों से प्रेरित किए कि सभी का दिल गदगद हो गया। सभी शिक्षकगण से मैंने भी बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम पर चर्चा किया, तो उन्होंने ऐसा ऐसा जानकारी दिया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। 10 मिनट का वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, तो कृपया इस वीडियो को देखें। शिक्षक की लाइन में एक महान शिक्षक इन लोगों को कह सकते हैं आप। और यहाँ पे मौजूद है संजय कुमार सिंह, जो एमएलसी है, और डॉक्टर ममता रानी मैम, जो प्रिंसिपल आरबीबीएम कॉलेज के हैं। और यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर तारण राय, जो चेयरमैन राय कॉलेज का है। और यहाँ पे फिर से मौजूद है डॉक्टर बीके राय, जो प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर के हैं। और यहाँ पे फिर से मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा मैम, जो डायरेक्टर रॉय कॉलेज के अभी वर्तमान में है। और यहाँ पे विनायक सर है, जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक है। बाकी और अन्य लोग यहाँ पे शामिल है। और सिर्फ अभी हम बात करेंगे इन लोगों से, जो सरकार के द्वारा बीएड, जो पहले जो बीएड होता था उसमें बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करना पड़ता था, और अभी के समय में जो आप बीएड कर लीजिएगा उसके बाद भी आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जिसका नाम है बीपीएससी। बीपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको शिक्षक में चयनित किया जाएगा। उन पर मोटिव करने के लिए हमारे साथ सब लोग बने हुए हैं। बारी बारी से शॉर्टकट में थोड़ा इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, और कौन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आपको जागरूक करना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले रॉय कॉलेज के डायरेक्टर मोनालिसा मैम के पास जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि इसे आज के आज जो आप अपने स्कूल में, विद्यालय में जो आप किए हैं इंडक्शन प्रोग्राम, बच्चे को क्या प्रेरित किए? बच्चे को एक शिक्षा में एक नया आयाम हासिल करने के लिए प्रेरित किए हैं, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो आधार स्तंभ हैं समाज के। वो हम कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और वो कल आज के जो बच्चे हैं बीएड के, वो कल एक शिक्षक बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एक नया आयाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इनका काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और यहाँ पे मैम, अभी जो बीएड का एग्ज़ाम जो बीएड का जो बच्चे नाम दाखिला करवा रहे हैं, ज़ोर शोर से करवा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बीपीएससी एग्ज़ाम पूरे भारत के लिए टॉप एग्ज़ाम, उसको कैसे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, इस पर थोड़ा जागरूक कीजिए। सिलेबस जो है उसको पूरा नोट्स बनाएंगे, उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर तैयार करेंगे, तो बहुत कठिन नहीं होगा, कर लेंगे, लेकिन अभी पहली बार है इसलिए बच्चे थोड़ा घबरा रहे हैं। मैम, इस पर आप क्या बोलना चाहिए कि कहा जा रहा है कि इसे बीपीएससी एग्ज़ाम सब बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, उनको कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कैसे उनको मोटिव कीजिएगा? देखिए, जो भी बीएड किए हुए बच्चे हैं, कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर है, तो क्लास फाइव से लेकर प्लस टू तक का सिलेबस यदि थॉरली पढ़ के जाएँ तो निश्चित रूप से बीपीएससी एग्ज़ाम निकालेंगे। तो उनको जो भी सिलेबस है क्लास फाइव से लेकर प्लस टू तक, उस सिलेबस को थरोली पढ़े, थोड़ा रिवीजन करे, पढ़े। माइंड तो कंप्यूटर है, उसमें सारा चीज़ फीड है, लेकिन भूल गए हैं उसको फिर रिवीजन करे शॉर्ट टाइम में सिस्टमेटिक ढंग से, तो निश्चित रूप से बीपीएससी एग्जाम निकाल लेंगे। पर्चे दे दें। डॉक्टर तारण राय, चेयरमैन राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सर। अभी के समय में बताया जा रहा है बीएड मतलब परीक्षा कोर्स करने के बाद बीपीएससी मतलब निकाला जाएगा, और काफ़ी टॉप एग्ज़ाम ये है, बच्चे कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, बीपीएससी एक सरकार की इकाई है जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेते आ रही थी। अब जैसे सीटीईटी जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से बिहार सरकार अभी तक बहाली करते आई है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन अपने बिहार में इसको इसी के आधार पर टीचर की नियुक्ति होती आई है, और आनंद फानंद में इसको बीपीएससी को सुपुर्द किया गया है कि आप अपने माध्यम से टीचर की नियुक्ति करें। लेकिन उसके तहत जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते आए हैं अभी तक, उस सब के सब मुझे तो एनसीईआरटी बेसी होते हैं। अगर जो भी वर्तमान अभ्यर्थी हैं जो इस शिक्षा के बहाली में भाग ले रहे हैं, अगर वह एनसीईआरटी के पुस्तकों को सिर्फ अध्ययन करेंगे माइन्यूटली रूप से, और उसमें बहुत सारे स्तर बनाए गए हैं, पेपर वन टू है,
प्लस टू तक की बहालियां हैं। अपने अपने सब्जेक्ट पर हम अभी कहेंगे कि एनसीईआरटी की जो भी पुस्तक है आपके विषय का, ठीक है, उसका माइन्यूटली अध्ययन करें और आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगा। इसके लिए बीपीएससी को ध्यान न दें, अपना सिलेबस को ध्यान दें। उसी इकाई है, एक मानक है, उसको अपना तय करना है कैसे क्या करना है, ठीक है, एक प्लानिंग तैयार करें, प्लान वे में उसको पढ़ें, उसको समझें, निश्चित रूप से बच्चों को सफलता मिलेंगे। उसको हवा लेकर मत बनाएं, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि एक निगेटिव है, उससे भला नहीं होगा। उस पर माइंड न करें, बशर्ते कि अपना जो आपका एम है, आपको फेस करना है, उसको निकालना है, ठीक है। इस पे पर्चे दे, मैं डॉक्टर राजमणि कुमार राय बोला जी। बहुत अच्छा, और आगे बढ़ेंगे। और सर क्या बोलना चाहिएगा इस पर, जो अभी बताया जा रहा है कि बीपीएससी एग्ज़ाम बड़ा टॉप एग्ज़ाम है, कैसे बच्चे इसमें निकाल पाएंगे, कैसे गाइडलाइन करेंगे? सबसे पहले तो परीक्षा कोई भी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी प्रकार की हो, परीक्षा से आदमी को नहीं डरना चाहिए। जब हम पढ़ाई शुरू कर दिए हैं तो परीक्षाएं होंगी ही। जैसे अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में भी हमको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। उसका सिलेबस है, उसकी तैयारी करें। और सही, जैसे आप अभी बीएड के लिए मोटिवेट किए तो अपने सब्जेक्ट और साथ साथ बीएड में जो स्किल है उसका, साइकोलॉजी है, इस पर ध्यान देते हुए एनसीईआरटी, विशेष रूप से आप 1 से 10 तक या 12 तक का एनसीईआरटी की तैयारी करें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, कम से कम 5 बार उसको पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप परीक्षा में बैठे, आखिर सफलता न किसी को मिलती है। जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, वहाँ ऑल इंडिया स्तर पर परीक्षाएँ होती हैं, तो वहाँ से चुन के लोग आते हैं। पहले 3 परीक्षाएँ होती है, जमाना था कि पहले केवल इंटरव्यू से लोग आते थे, जिस समय हम लोग आए, फिर उसके बाद परीक्षाएँ शुरू हुई, पीटी होती थी, मेंस होती थी, तब उसके बाद इंटरव्यू। अभी 2 चरण है, इसलिए ये सीटेट कर दिया, सीटेट एक हो गया, वो भी टफ एग्ज़ाम है। तो कोई जो बच्चा मेहनत करेगा, सही से सिलेबस, उसका मार्गदर्शन होगा। अभी हम लोग मिल करके मैडम सर मोटिवेट किए बच्चों को, जब इस तरह मोटिवेट होकर सही रास्ते से पढ़ेगा तो सफलता की गारंटी है निश्चित रूप से। किसी न किसी को तो सफल होना ही है, इसलिए परीक्षा से डरने की ज़रूरत है। सही अर्थ में आप मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद। मैं विनायक, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर। देखिए कि सभी लोग एक ही मोटिव करना चाह रहे हैं कि पढ़ाई करने के लिए किसी भी को हर चीज़ को मतलब संभव किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो हर चीज़ संभव है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। मैम है जो इंडक्शन मतलब प्रोग्राम में, इनका जब मैंने बात सुना, ऐसे बच्चे को प्रेरित की कि लगभग सभी का मन और सभी का ध्यान मैम के बातों पर बना रहा। आखिर अब क्या कहेंगे इनके प्रति, मतलब थोड़ा जानेंगे मैम। काफ़ी आप अच्छा मतलब वहाँ पे सुझाव दिए हैं बच्चे को, और इस सबसे ज़्यादा अभी बिहार में देखा जा रहा है कि बिहार के बच्चे डर चुके हैं से बीपीएससी एग्ज़ाम हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। बीएड तो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया या ऐसी बिना बात का ख़त्म हो जाएगा, इस बात से बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ज़रूरी है, ईमानदारी से मेहनत ज़रूरी है। जो पहली बार हिमालय चढ़ा होगा, अगर वो ये सोच के बैठता कि इतना ऊंचा पर्वत मैं कैसे चढ़ूंगा, तो शायद हिमालय पे वो चढ़ नहीं पाता। इसलिए परीक्षा तो परीक्षा होती है, आप तैयारी तरीके से करें, थरोली पढ़ें, किताबों को थरोली पढ़ें, अभ्यास करें अपने आसपास। जो चूँकि ये बीपीएससी द्वारा ली जा रही है तो दिनानुदिन घटने वाली घटनाओं पर भी जनरल नॉलेज का भी वो ध्यान रखें और नोट्स बनाएं, निरंतर अभ्यास करें। यह निरंतरता, यह परिश्रम अगर वो करते रहेंगे तो जब लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, ये तो बीपीएससी है, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हिम्मत, ये विश्वास लेके आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर ममता रानी, प्राचार्य हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में। चलिए मैम, देखें कि बातों बातों में मतलब हर चीज़ को निशाना साध दी है कि कोई भी संभव और असंभव कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत पर ही डिपेंड करता है। अगर मेहनत कीजिएगा तो हर चीज़ संभव है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो हर चीज़ असंभव है। और साथ में हमारे बैठे हुए हैं एमएलसी सर, थोड़ा अपना परिचय देते हुए जो बिहार में चल रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष चर्चा आपसे हम करेंगे। बिहार में क्या चल रहे हैं, क्या बीपीएससी एग्ज़ाम को आना चाहिए? और नीतीश कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि हम बाहर के लोग को भी बिहार में जॉब देंगे, जो कि बिहार के युवा ऐसे ही बेरोजगार पाए गए हैं। फिर भी इस सब बात को मद्देनजर रखते हुए आज आप रॉय कॉलेज में आए हुए हैं, बच्चे को काफ़ी आपने प्रेरित किया, क्या लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम हमारे बिहार के देहात के रहने वाले स्टूडेंट निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में शिक्षकों की, जो प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के शिक्षकों की बहाली की नई नियमावली बनी है, उसका हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। इस माने में विरोध कर रहे हैं कि बीपीएससी, सिविल सर्विसेज या अन्य अधिकारियों की बहाली के लिए, उच्च पद पर बहाली के लिए से बीपीएससी के द्वारा बहाली की जाती है। आप शिक्षक को भी इसी बीपीएससी के माध्यम से बहाली की बात कर रहे हैं, यह दुखद है। और बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को बहाली शिक्षकों की बड़ी संख्या, जो बिहार में पद खाली हैं, शिक्षकों की जो कमी है, बहाल नहीं करना है,
इसलिए वह एक बहाना ढूंढकर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक प्राइमरी से लेकर और प्लस टू तक के शिक्षकों की बहाली की यह प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है, पहली बात। दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि जब आज तक जब सेंट्रल स्कूल के एक साथी ने अभी आपको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के स्तर पर सेंट्रल स्कूल स्थापित है वहाँ अच्छे टीचर सेंट्रलाइज रूप में बहाल होते हैं, वहाँ सीटेट एग्जाम की व्यवस्था आज कुछ दिन पहले से शुरू हुई थी तो वहाँ भी इंटरव्यू के आधार पर बहाली होती थी। बिहार में भी वही व्यवस्था थी दूसरे रूप में, यहाँ भी पहले विद्यालय सेवा बोर्ड था जिसके माध्यम से इंटरव्यू के माध्यम से जो एक प्राइमरी शिक्षक सेकेंडरी शिक्षक प्लस टू शिक्षक सबकी अर्हता निर्धारित पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, और इंटरव्यू के माध्यम से जो वो अर्हता रखते थे जैसे प्लस टू टीचर के लिए था कि जो पीजी और बीएड रहेंगे, ग्रेजुएट और बीएड रहेंगे माध्यमिक शिक्षक के लिए, इसी ढंग से प्राइमरी शिक्षक का था उसी पर बहाली होती थी। ठीक है, आपने नई व्यवस्था के तहत अब नई व्यवस्था रखी है तो अपने काम लेके बहाल करने की बात की तो आपने 2012 से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर शिक्षकों को बहाल करना शुरू किया जो सेंट्रल स्तर पर सीटी है सीटेट है, उसी ढंग से आपने स्टेट में भी शुरुआत की थी। तब आप इससे भी आपको संतोष नहीं हो रहा है कि हम सही ढंग से शिक्षकों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, इसमें किसका दोष है? सरकार और सरकार की मशीनरी का ही दोष है। ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सरकार ने 2012 से अनिवार्य कर दिया प्रारंभिक से लेके प्लस टू तक के शिक्षकों के लिए, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप केवल सही ढंग से सभी पदों पर शिक्षकों को बहाल नहीं करना है तो समय समय पर ये नियुक्ति की प्रक्रिया बदल कर बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले इसकी चिंता आपको कम है, मैं यही समझता और इसीलिए ये सिविल सर्विसेज की नियुक्तियाँ जिसके माध्यम से होती है उसके माध्यम से आप कहते हैं ट्रेन शिक्षक बहाल करेंगे। आज 12 तारीख लास्ट डेट है, आज क्या तारीख है, 7, 5 दिन बचे हैं, कितने पद हैं, 2 लाख के लगभग पद बताइए, 5000 टीचर प्लस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक केवल 5000 अभी तक आज के पेपर में 5000 शिक्षक ही अप्लाई किए हैं, कहाँ से ये डर पाएंगे। स्वाभाविक है कि आम युवाओं में जो ये डिग्री लेकर यहाँ बैठा हुआ है उसमें असंतोष है इस सरकार के विरुद्ध, इसलिए हम प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान पार्षद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, हम शिक्षकों के साथ और ऐसे बेरोजगार जो अर्हता प्राप्त बेरोजगार युवा हैं उनके साथ खड़े हैं। हम लड़ रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली आप बीपीएससी के माध्यम से न लें, पुनर्विचार करें, इसमें सुधार करें। काफ़ी अच्छा लगा बात सर का बात, और अब लास्ट में बस और पहले मैं इनसे जानते हैं कि से आज रॉय कॉलेज में इनका प्रेजेंटेशन हुआ है इंजेक्शन प्रोग्राम के इंडक्शन प्रोग्राम में, क्या कुछ बच्चे को प्रेरित किए हैं और क्या कुछ यहाँ का बात इनको अच्छा लगा उस पर खास बातचीत करेंगे। तो सर पर्चे दे दीजिए। मैं डॉक्टर बीके राय, प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। आज राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तरफ से इंडक्शन प्रोग्राम किया गया था जिसमें मुझे भी मौका मिला बच्चों को प्रेरित करने के लिए, तो मेरे द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके सुखद भविष्य के लिए कामना की गई है, उन्हें जो आगामी टीचर बनेंगे उसके लिए अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी है, और जो बिहार सरकार की पॉलिसी चेंज हुई है नई जो शिक्षक की बहाली हो रही है बीपीएससी के थ्रू उसके लिए उन्हें सुनहरा मौका है कि उन्हें 2 साल मिलेगा तैयारी करने के लिए, और यहाँ एक शिक्षक बनने के साथ साथ वह अपने कंपटीशन की भी तैयारी करें जिससे कि एक आदर्श अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। थैंक यू, सब लोगों से मैंने बात कराया, बाकी सब अपने अपने अंदाज में सब शब्दों का उत्तर दिया। बच्चे से अब स्टूडेंट से एक निवेदन है, डिसाइड आपको करना है, पास आपको करना है, और उसके बाद जो भी है सरकार जो व्यवस्था दी है उसको मद्देनजर रखते हुए हर संभव प्रयास करना है। वो चूँकि साल का जो क्लास का उनका पहला दिन है तो उनको हम लोग मोटिवेट किए हैं, घबराना नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करना है, अगर नियमित पढ़ाई 7 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं तो जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो चीज़ का आप डिग्री पाना चाहते हैं उस समय आसानी होगी। अभी शिक्षा विभाग में सर काफ़ी दयनीय स्थिति चल रहा है बिहार का। देखिए बिहार शिक्षा विभाग नहीं पूरे बिहार ही का दयनीय स्थिति हो गया है। पहले जो माननीय मुख्यमंत्री का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था 2005-10 का जो कार्यकाल उनका था बहुत बेहतर था, लेकिन अचानक यू टर्न लेके चले गए लालू जी के साथ में, तो जो पहले का जो स्थिति था पुनः वो जीवित होने लगा है।
तो ऐसे स्थिति में शिक्षा ही नहीं, पूरे बिहार का स्थिति बहुत ख़राब है। खासकर जो गरीब लोग हैं वो इतने ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी के नाम पे हो, बालू के नाम पे है। रोजगार कहीं बिहार में दिख नहीं रहा है, कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर लग नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अब शासन लगभग 17-18 साल हो गया है, लेकिन बिहार में कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि बिहार के लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ से दूसरी बार बिहार से पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जो शिक्षा का जो मामला चल रहा है, जब बिहार में पलायन ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो कम से कम उनको इस तरह की नीति नहीं लाना चाहिए कि बिहार के बाहर के लोग भी आके शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं से ना कहीं से ये बहुत गलत है, और इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी 13 तारीख को हम लोग बिहार विधानसभा घेरेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की फिर से पलटी मारने का संभावना में है। नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करेगी तो गलती करेगी। सर एक रिकॉर्ड सवाल, सर मध्य प्रदेश में सर एक दलित पे इतना बड़ा अत्याचार किया गया जी, जो घटिया पूरा निंदनीय है सर, इसमें सर देखिए, एक व्यक्ति विशेष से ऐसा कुछ कर देना उसके लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। जो गलत ऐसा काम किया, ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री उसको घर पे बुला के उसको चरण धोए हैं, तो जो पैकअप हो सकता था वो हो रहा है। अब इस मुद्दे को ज़्यादा आगे ले जाने की जरूरत है। सकरा की बेटी एक सुनीता है जिसको दोनों किडनी निकाल दिया गया था, अभी 10 महीना से SKMCH में भर्ती है। जी जी, अभी तक उसके 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 लिए नहीं नहीं, हमारे तरफ से जो भी चीज़ हुआ है, वो जो ये जो है प्रवीण जी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो इसके लिए बहुत लगातार हम भी हमारे संपर्क में हैं, और जो हमसे बन पा रहा है उनको मदद मिल। डॉक्टर मुख्य जो आरोपी है डॉक्टर आरके सिंह, उनको भी सर गिरफ्तारी नहीं हो रहा, सर इसमें क्या? इसके लिए तो करना चाहिए ना, माननीय जो जिला कप्तान है उनको पहल करना चाहिए कि एक ऐसा लंबा समय से संघर्ष चल रहा है, और प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अजय निशा, सांसद मुजफ्फरपुर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।